20 रुपया? इतना महंगा लूटेगा क्या हमको? बहन जी गलत मत बोलो, हम कोई चोल है क्या? हम भी मेहनत करते हैं, हम भी टमाटर खाते हैं। हाँ तो तू टमाटर खाता है तो हमको क्यों महंगा देगा? बहन जी हम टमाटर नहीं खाते, हम टमाटर खाते हैं। हाय रे बहरे, वही तो कह रही हूँ, तू टमाटर खाता है तो हमको क्यों लूट रहा है? बहन जी टमाटर, अरे मैडम ये टमाटर खाते नहीं कमा कर खाते कह रहे हैं। यही तो कहलाऊं हम टमाटर खाते हैं। आइला तुतला, कितना मगजमारी किया रे मेरा। चल 5 रुपए कम कर। बहन जी ये तो नुकसान हो गया ना। हाँ तो तुतला बोले था तो नुकसान तो होगा ना। चल 20 रुपए कब तक? अभी तो रिटर्न करो, कसम से कितने दिन। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं आप? दिख नहीं रहा है, लॉटरी खरीद रहा हूँ। अरे भाई इसकी लत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है इसकी। 10 साल से तो रोज खरीद रहा हूँ, अभी तक तो आदत पड़ी नहीं। ओफ, आप नाराज क्यों होते हैं खामखा? एक बार इस चीज को खरीदोगे ना तो बस खरीदते जाओगे, खरीदते जाओगे, खरीदते जाओगे। मेरी सलाह ये है कि इससे बेहतर है कि आप किसी पढ़े लिखे इज्जतदार बेरोजगार आदमी को दान पुण्य ही करते। दान पेटी जी आप हैं कौन? अरे बेटा इसीलिए तो कहता हूँ ये दान दे दे बेटा। खिसक खिसक साले सफेद कपड़ों भूत। अरे बेटा तेरी माँ का ऐसे ऐसे बेरुपिये साले कैसे लोग आ जाते हैं। लो फिर से ले रहे हो लॉटरी, तुम्हें कितनी बार कहा इसके ऊपर पैसा बर्बाद नहीं करने का? कितनी बार मैंने तुमसे बोला है पैसे को लेके किट-किट मत किया करो, मेरी लॉटरी लगती नहीं है। टोक देती हूँ मैं, किट-किट करती है। अच्छा तो मैं करता हूँ। तुम्हें मालूम बाबा ने क्या बोला था? कुछ ही दिनों की बात है, अपनी किस्मत जरूर चमकेगी। वो तो कब से बोल रहे हैं, तुम्हारी किस्मत को तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जब से मेरी शादी हुई ना मेरी किस्मत फूट गई है। दिमाग की ऐसी तैसी कर देती हूं। दिमाग की ऐसी की तैसी। फिर लेट हुए राजू। अभी मैं क्या करूं? मैं खुद ही बहुत परेशान हूँ। सड़कें कम, बोर्ड ज्यादा। अच्छा? रिक्शा कम, पुलिस वाले ज्यादा। लेफ्ट जाता हूँ तो राइट निकलता हूँ, राइट जाता हूँ तो लेफ्ट निकलता हूँ, और सीधा जाता हूँ तो रास्ता ब्लॉक। अभी जहाँ पे सड़कें होनी चाहिए वहाँ पर गड्ढे होते हैं, और जहाँ पर लाइट साइन बोर्ड होना चाहिए वहाँ पर बैनर पोस्टर होते हैं। अब बताइए कोई कहता है तारे जमी पर, कोई कहता है वेलकम। हम पूछते हैं तारे जमी पर तो हम कहाँ रहेंगे? कोई धमाल मचा रहे हो? ऐसे में भेजा फ्राई होना बट नेचुरल है कि नहीं? हम बताओ माता जी। बट नेचुरल नहीं, बट नेचुरल। पास, 100% पास। इतना काबिल बच्चा है, इतनी अच्छी इतिहास पढ़ता है, एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा देखना। और तानिया ये तो ऐसा तैरती है, एक दिन पीटी उषा को पीछे छोड़ देगी, तुम लोग देखना। पीटी उषा तो दौड़ती है ना। अरे तो एक ही बात है ना, ये भी लड़की वो भी लड़की, चाहे पानी पे दौड़ो चाहे सड़क पे तैरो, मामला बराबर। लाओ लाओ फीस लाओ, फीस लाओ, फीस लाओ, पूरे पैसे है ना, लाओ लाओ। आप लोग भी अजीब है, आपको और नहीं है हमें ठोर नहीं है। हम जैसे ही आते हैं आप लोग बातों में लग जाते हो, कुछ सोचना चाहिए कि आप लोग तो गप्पाबाजी शुरू करते हैं तो रात के चक्कर में हमारे सब बच्चे लेट हो जाते हैं स्कूल पहुंचने से पहले, है ना काकी? चलो सब बच्चा लोग, लेकिन एक बात सुन लो महिला समाज, हम यहाँ पर कितनी देर में भी पहुँचे लेकिन हम स्कूल में सबसे पहले पहुँचते हैं, क्यों बच्चा लोग? और मैं तुमसे पहले क्यों लगी शर्त? पगार पगार अरे सुन रहा है ना, पगार पगार। पगार किधर है? ओहो बाकी बीरून ले लिया कि लूट लिया? मेरी ना किस्मत ही खराब है, तो अभी था मैंने बाबू को रैंको के मुंह ना लगो, गया ना पैसा और तुमने भी आराम से दे दिया। भगवान हराम का पैसा नहीं है जो वो कमीना लूट के ले गया। बोलना, मैं ही बोलती रहूं क्या? देखो गलती बाबू की थी, उसने कांच तोड़ा था, अब नुकसान किया है तो हर्जाना तो भरना पड़ेगा ना। गलती तो है बाबू, फिर पर वो कोई काम भी तो नहीं करता ना, इधर उधर घूमता रहता है। देखो मुझे नहीं पता, तुम उसे स्कूल में जरूर दाखिला दिला दो, नहीं तो मैं जान दे दूंगी। अब ट्रेन के नीचे आके मर जाऊंगी। आओ पापा, आओ बाबू, और मोहल्ले महाभारत करो, तुम्हारी मम्मी सुनो जान देने जा रही है, खूब कांच तोड़ो, खूब बाप का नाम रोशन करो बेटा। और वो जो रैंको कहता है ना कि तुम्हारी रिक्शा खटा रहा है, वो सही कहता है। अच्छा वो जो बोलते सब ठीक है, तुम्हारे लिए पूरी दुनिया कटा रहा है, मैं भी कटा रहा हूँ। सही कहा तुमने। खाना बना रही हो तो पूरा घर जला रही हो। गलती तो बाबू की है ना, कांच तोड़ दिया उसने, घर जाना तो भरना पड़ेगा।
सारे पैसे उठा के दे दिए। अब महीना कैसे चलेगा? कपड़ा लता के फुकट में आता है। और इस आसान सवाल का जवाब देने पर आपको मिलेगा पूरे 1,00,000 रुपए का इनाम। जी तो कर रहे, जी तो कर रहे, ट्रेन के नीचे आके मर जाओ। हमारा पता है 103। ये क्या कर रहा है तू? फिर से पोस्ट कार्ड लेके आया? अरे क्यों टाइमर बता रहा है? कुछ नहीं होने का। पोस्ट कार्ड फाड़ दिया, मेरा पिन कोड नंबर भी चला गया। तो कुछ नहीं होने वाला इससे। और हो गया तो सोचो, 50 पैसे का कार्ड हमारे घर में ला सकता है 1,00,000। सोच के देखो, 1,00,000। मेरे को क्या पता, मैंने तो कभी 1,00,000 देखा भी नहीं। ठीक है, सुनो, 1,000 तो मालूम है ना तुम्हें, 100-100 के 10 नोट, उनको 10 से गुणा करो तो हो गए सीधे 10,000, और 10,000 पकड़ो सीधे 10 से गुणा करो तो हो गए 100,000। 100,000 राम। सोच, उसमें से 25,000 अपने घर में लगवाऊंगा, इस घर को बनवाऊंगा, और 25,000 तेरे गहनों के लिए लगाऊंगा। सच्ची? और 25,000 अपनी रानी को सजा के टीप टाप बनवाऊंगा, हैं? और 25,000 अपने बाबू के लिए स्कूल का दाखिला। बाबू स्कूल जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हमारा बच्चा स्कूल जाएगा। और बाकी पैसों का क्या होगा? बाकी पैसे? बाकी पैसे कहाँ है? 1,00,000 तो खर्चा हो गए। हाय राम, सारे पैसे तो तूने हम पे खर्च दिए, तेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा? मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास क्या बचा है? मेरे पास बची तुम। मैं तैयार हूँ। गणपति पापा सब ठीक करना। ये तुम जल्दी करो ना। अरे कर, दाखिला तुम्हारा नहीं है, बाबू का है। अरे ये भी खत्म हो गया। ए मेरा बच्चा, ये ले, लेट मत कराना, नहीं स्कूल में जाना, अच्छे से जाना, और ज्यादा बात मत करना, और जो भी बात करना ना सोच समझ के बात करना। अरे अब जाने दो ना, सब कुछ यहीं पढ़ा दोगी तो स्कूल में क्या पढ़ेगा, है ना बेटा? ए सुन, सुनो बेटा, एक मिनट, जो भी मास्टर जी पूछे ना संभल के जवाब देना, ठीक है? बिंदास, चलो बेटा। ए सुन, बोलो बेटा, संभल के जाना, कपड़े गंदे मत करना, ठीक है? चलो चलो बेटा। ए सुन, फिर से मुड़ो बेटा, मेन काम रह गया एक मिनट। बेटा सारे पढ़ाई के सर्टिफिकेट तेरी मम्मी दिलवा देगी, हैं? ए हट जरा पीछे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बस अब तू एक बात मेरी सुन, हम सिर्फ बाबू के दाखिले की बात करने जा रहे हैं, जब तक दाखिला ना हो जाए तब तक ये बात किसी को मत बोलना, समझ गई? चलो बेटा चलो, अब कभी मत मुड़ो बेटा। सुन, ए तू आ गया? हाँ। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, अभी गई थी बाहर। बाबू की दे रहे? वो खेलने गए। क्या हुआ, एडमिशन हो गई? बोलना। मुझे पता था हो जाएगी। इधर आ, पानी पी ले, बैठ। हाँ, अब बता शुरू से। शुरू शुरू करें? हाँ, शुरू से शुरू क्या, जैसे प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल ने सीधे अंग्रेजी में बौछार कर दी, अंग्रेजी की, तो लेफ्ट हैंड गो प्राउड, अब सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, गो ट्रैफिक, देन एवरीबॉडी वाज हॉंकिंग, आई हॉंक, नोबडी वाज हमसे रिएक्टिंग, अब डे डिफरेंट, डार्क द फायर, स्टॉप द जस्टिस, अब कभी कभी, अब गो देयर, टेक देयर, एट ऑफ होल मंथ, एट मंथ, नो नोबडी। रुक 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 रुक, क्या मतलब इसका? मतलब तुम कौन हो, कहां से आए हो, इतने सारे का इतना सा? नहीं, अंग्रेजी में बहुत लंबा चौड़ा लगता है, हिंदी में तो इतना हो जाता है ना। देन मैंने भी जाके अंग्रेजी में ही उनको जवाब दे दिया। मैंने कहा राजू रिक्शा वाला, लेफ्ट टर्न, डाउन इन स्कूल, डिवाइडिंग स्टॉप, पीयूसी पोल्यूशन, बाबू एडमिशन। रुक रुक रुक, मैं बताती हूँ, इसका मतलब है कि मैं राजू रिक्शा वाला हूँ और मैं बाबू की एडमिशन कराने आया हूँ, सही? हाँ, तू तो अंग्रेजी बहुत अच्छे सीख गई है। बस क्या, अच्छा फिर? फिर क्या, अब जो होना था वो तो, अरे एकदम जैसे कॉलेज गेट पे जो स्कूल मार, बच्चे, टीचर, माँ बाप सब मछलियों की तरह इधर उधर तैर रहे, और वो जॉन और तान्या बोल रहे थे कि हम भी चलेंगे। मैंने कहा तुम क्या करोगे, तुम पढ़ाई करो, तुम्हारा थोड़ी एडमिशन होना है।
एडमिशन तो बाबू का होना है। बाबू को लेके जैसे मैं गेट खुला, भीड़ के अंदर में घुसा, तो एकदम सब पूरा क्राउड एकदम बस झोले के साथ में, तो मैंने बाबू को पकड़ा चीरता हुआ भीड़ को। इधर तो बाबू को धक्के लगे, मुझे धक्के लगे। मैंने बाबू को इधर किया कि बाबू तू इधर ना मत जाना, इधर मत जाना। सीधा ऐसा ढकेलता हुआ सीधा प्रिंसिपल के सामने खड़ा हो गया। और बाबू का एडमिशन नहीं हुआ ना?